हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा पर्सनल खास करके गर्ल्स के लिए टॉपिक लेकर के आई हूँ। अगर आप कोई बॉयस हैं तो आप स्किप कर सकते हैं ये वीडियो, क्योंकि ये स्पेशली गर्ल्स के लिए हैं। और अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के लिए अगर ऐसा कुछ चाहते हो, आपकी गर्लफ्रेंड है तो आप बेशक देख सकते हो, बट ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, कोई भी बैड कमेंट मत करना यहाँ पे, कोई भी बॉयस हो तो बैड कमेंट मत करना कि ऐसे ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं, क्योंकि ज़रूरी है। आई नो दैट कि बहुत सी महिलाएं, बहुत सी गर्ल्स जो हैं उनको ये प्रॉब्लम रहती है, लेकिन बहुत सी महिलाओं एंड बहुत सी गर्ल्स को ये प्रॉब्लम रहती है लेकिन वो खुल के बात नहीं कर पाते या खुल के नहीं पूछ पाते हैं कि लाइक मुझे ये प्रॉब्लम है और मुझे ऐसे प्रोडक्ट चाहिए। तो इसीलिए आपके उन जो मतलब आपके उन जो मन के अंदर की जो बात है वो हमेशा मैं समझ लेती हूँ, और मैं हमेशा चाहती हूँ कि आपके उन सारी प्रॉब्लम पे मैं कुछ ना कुछ ऐसा जो है प्रोडक्ट लेकर के आऊँ जो कि आपके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। तो जी हाँ, आज मैं बात करने वाली हूँ निप्पल्स की। जी हाँ, बहुत से महिलाओं में आपने देखा होगा हमारे निप्पल्स जो होते हैं, हमारे यानी ब्रेस्ट की जो साइज़ होते हैं वो भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट होती है। प्लस हमारे निप्पल्स का, हमारे बॉडी का, स्किन का कलर भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट होता है। स्किन का, बॉडी का, हमारे हर एक जगह का स्किन का कलर बहुत डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो वैसे ही जैसे कि हमारे बॉडी पार्ट में ही हमारे बस्ट एरिया ने, हमारे जो ब्रेस्ट एरिया है, ब्रेस्ट एरिया में जो हमारे लाइक हमारे ब्रेस्ट होते हैं, हमारे निप्पल्स होते हैं, तो निप्पल्स का कलर जो है किसी किसी महिलाओं को ये प्रॉब्लम रहती है कि उनके निप्पल्स का कलर बहुत ज़्यादा डार्क होता है अकॉर्डिंग टू उनके ब्रेस्ट या फिर उनके फेस या उनके बॉडी की स्किन से। बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, थोड़ा डार्क होता है, तो वो आप चाहते हो कि थोड़ा जो है ना उसका कलर भी लाइटन हो या हल्का पिंकिश हो, थोड़ा कलर जो है मतलब चलो पिंकिश नहीं हुआ, चलो बहुत ज़्यादा लाइटन नहीं चाहिए हमें, बहुत ज़्यादा गोरा फेयर या फिर पिंक नहीं मिलेगा, तो कम से कम जो बहुत डार्कनेस है उससे तो थोड़ा लाइट इफेक्ट जरूर मिले, जिससे कि हमारा जो है ऑल ओवर बॉडी दिखने में सुंदर लगे। तो ये बहुत ही अंदर की बात है, लेकिन हाँ, हम अपने आप से भी बहुत प्यार करते हैं, हम अपने आप को भी चाहते हैं कि हमारा बॉडी, हमारी अंदर की बॉडी हो चाहे ऊपर की बॉडी हो, बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखे। प्लस हम लाइक हमें एक कॉन्फिडेंस मिले कि चलो हम सुंदर है दिखने में। ओके, तो गाइस आज मैंने बता दी कि मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया आपको इस टॉपिक पे, तो आज मैं लेकर के आई हूँ निप्पल लाइट क्रीम, जो कि बहुत ही अमेजिंग क्रीम है। एंड आप लोगों में से किसी एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था, जिनका मैं नाम तो यहाँ नहीं लूँगी क्योंकि ये ऑब्वियसली उनकी पर्सनल बातें हैं, प्राइवेट बातें हैं। उन्होंने मुझसे पूछा था कि लाइक उनके जो ब्रेस्ट है लाइक वो बहुत ज़्यादा फीडिंग करवाती हैं, फीडिंग करवाने के बाद उनके ब्रेस्ट की जो निप्पल है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो चुकी है, वो बहुत ज़्यादा फेयर है दिखने में, उनकी इस बॉडी की स्किन, फेस की स्किन एंड ब्रेस्ट की स्किन जो बहुत ज़्यादा फेयर है, बट उनका निप्पल जो है बहुत ज़्यादा ही डार्क है, तो उसके लिए कोई क्रीम। तो देखिए, मैं चाहती हूँ कि आपके बॉडी के प्राइवेट पार्ट के लिए हमेशा ऐसे प्रोडक्ट लेकर के आऊँ जो जिससे कि अगर आप यूज़ करते हो तो चलो कोई साइड इफेक्ट तो एटलीस्ट ना हो, चलो रिजल्ट 100% नहीं मिला, 50% ही मिला, लेकिन उसका कोई साइड इफेक्ट तो स्किन पे ना हो, क्योंकि साइड इफेक्ट होने पे जो है स्किन मतलब जो थी उससे भी ज़्यादा बेकार हो जाएगी। तो इसीलिए ये देख सकते हैं आप, ये 7 डेज ऑर्गेनिक का ये निप्पल लाइट क्रीम है, जो कि आपके निप्पल को लाइट करने में, आपके निप्पल को लाइट करने में, पिंक करने में, उसके कलर को डिफाइन करने में, यानी कि बहुत ज़्यादा डार्क हो गई है तो उसे लाइटन अप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग केयर है आपके निप्पल्स के लिए, तो इसको आपको आराम से यूज़ करनी है। और ये इसमें कोई भी पैराबेन, सल्फेट, सिलिकॉन, मिनरल ऑयल प्लस कोई भी सिलिकॉन ऑयल नहीं है, जो कि आपके सेंसिटिव एरिया को, आपके ब्रेस्ट की स्किन जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, प्लस निप्पल्स की स्किन तो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव, वो डायरेक्टली हमारे इनर पार्ट से जुड़े होते हैं, हमारे बॉडी के हेल्थ के इनर पार्ट से जुड़े होते हैं। तो वहाँ पे बहुत कोई ऐसी प्रोडक्ट यूज़ करें जो कि आपके हेल्थ के अंदर अगर जा भी रहा है तो उसका कोई भी साइड इफेक्ट आपकी स्किन पर ना पड़े। तो देखिए, निप्पल एक ऐसा सेंसिटिव एरिया है जहाँ पर हम कुछ भी नहीं यूज़ कर सकते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा माइल्डली केयर करना पड़ता है। तो मैं ये वाला जो है निप्पल लाइट क्रीम लेकर के आई हूँ, 100 ग्राम की है और इसका प्राइस जो है वो है 599 रुपीज़। बट डोंट वरी, अगर आप बहुत ही ज़्यादा चाहते हैं कि ये परचेज करें बट थोड़ा कम प्राइस हो जाए, तो अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पे ये आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा। इसका कम प्राइस वाला लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप आराम से वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस, ये क्या कर सकता है, ये 7 डेज ऑर्गेनिक का निप्पल लाइट क्रीम जो है, जो स्पेशली प्रोडक्ट बनाई गई है नेचुरल ऑयल्स को लेकर के एंड बहुत ही ज़्यादा हेल्दी प्रोडक्ट को लेकर के, जो कि प्रमोट करेगा आपके स्किन को हेल्दी बनाने में। प्लस अगर आपकी स्किन की, वहाँ की स्किन डल हो गई है,
डैमेज हो गई है, स्किन पे हम ब्रा पहनते हैं तो भी होता है कि बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होता है जिसकी वजह से भी डार्कनेस आ जाती है कभी कभार। कभी कोई मॉम जो है बच्चे को फीडिंग करवाती हैं तो बहुत ज़्यादा डार्कनेस आ जाती है, पर मॉम को मैं जो मॉम बच्चे को फीडिंग कराती हैं उनके लिए तो मैं ये रेकमेंड नहीं कर रही हूँ। लेकिन हाँ, जो गर्ल्स महिलाएँ फीडिंग करवाना बंद कर चुकी हैं अब या फिर गर्ल्स हैं तो उनके लिए मैं ये रेकमेंड करूँगी, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये निपल लाइट क्रीम है जो कि सूद करेगा आपके उन एरियाज को, प्लस अगर आपकी निपल बहुत ज़्यादा ड्राई है, बहुत ज़्यादा क्रैक हो चुकी है, किसी किसी की निपल बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, हाइड्रेट नहीं रहती है तो बहुत ड्राइनेस के चलते बहुत ज़्यादा क्रैक आ जाता है, स्किन जो वहाँ की बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाती है, तो ये वाला आप एब्सोल्युटली यूज़ करें। आपकी निपल एरिया जो काफ़ी ज़्यादा वहाँ की एरिया जो है आपकी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट रहेगी, प्लस कलर भी उसका बहुत अच्छी तरीके से चेंज होगा। वहाँ की स्किन भी ये प्रमोट करता है, हेल्दी होगी आपकी स्किन अगर वहाँ की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई फ्ले। और अगर कोई मॉम अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं और आपके उन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा लाइक पेन है या कुछ भी, ऑफकोर्स बच्चे अगर ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं तो वहाँ की एरिया डेली ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं तो प्रॉब्लम होने लगती है, मॉम को पेन होने लगता है, कभी कभार वहाँ की एरिया बहुत ड्राई हो जाती है, क्रैक हो जाती है, फट जाती है, तो उन सब प्रॉब्लम में भी इसमें लिखा हुआ है कि आपको ये जो है ना रिलीफ देगा ये प्रोडक्ट। तो ये मस्ट यूज़ प्रोडक्ट है। एंड मैं बता दूँ इसमें एलोवेरा लीफ एक्स्ट्रैक्ट है, इसमें सारे जितने भी इंग्रेडिएंट है वो सारे नेचुरल हैं, आँख बंद करके आराम से यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी स्किन को बिल्कुल भी लाइक डैमेज नहीं करेगा, स्किन के पे कोई भी साइड इफेक्ट इसका नहीं होगा डेफिनेटली। तो 7 Days ऑर्गेनिक का ये वाला निपल लाइट क्रीम एब्सोल्युटली मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं हाईली रेकमेंड करूँगी उनके लिए जिनको भी इन प्रॉब्लम है, इस तरह की प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम है तो आप नहीं बता पाते हो, तो डेफिनेटली इसे ट्राई करिएगा, इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप डेली नाइट में इसको यूज़ करिए, इसको यूज़ करने के बाद कोशिश करिए ब्रा ना पहनने की, मसाज करके अच्छे तरीके से लगा लें, अपने पूरे ऑल ओवर ब्रेस्ट पे भी लगा सकते हैं, अपने पल्स एरिया में भी लगा सकते हैं ओनली, और मसाज करें हल्के हल्के हाथों से, एकदम हल्के हल्के हाथों से मसाज करके छोड़ दें आप। उसके बाद आप क्या करना है, डे में आप दिन में 2-3 बार भी लगा सकते हैं, जब भी आपको लगे कि ड्राई हो रही है, अपने बात ले ली उसके बाद ड्राई हो रही है तो बिल्कुल बेशक आप ये क्रीम को आपने उन एरियाज़ पे अप्लाई करें, आपको जो रिज़ल्ट जो है बहुत डेफिनेटली अच्छा मिलेगा। ये टाइम में आप आराम से फिर से वॉश कर ले, तो इसे जितने बार आप यूज़ करेंगे आपको उसका रिज़ल्ट उतना अच्छा मिलेगा, जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना फास्ट भी रिज़ल्ट आपको दिखेगा। कोई कोई पूछते हैं कि चलो इसका रिज़ल्ट कितने दिन में आएगा, तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उतना जल्दी आपको फास्ट रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। तो गाइस ये छोटी सी वीडियो थी बट बहुत ही इन्फॉर्मेटिव थी, बहुत ही यूज़फुल थी, जिनको भी इस तरह की प्रॉब्लम है आप बता नहीं पाते हो, बट मैं हूँ ना जस्सी है ना समझ जाती है सब कुछ जस्सी आपकी सारी प्रॉब्लम को। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा, अगर लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखें, अपने हेल्थ का ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें, अपने हेयर का ख्याल रखें, अपने हर चीज़ का ख्याल रखें। बाय एंड लव यू, बाय बाय।